लेटेस्ट अपडेट्स और ताजा तरीन खबरों के लिए टीवी वन इंडिया लाइव को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिए। नवी मुंबई के शिवसेना नेता विजय चौगुले ने अरवली की एक सोसाइटी एस पैराडाइज में डेडिकेटेड कोविड केयर सेंटर बनाकर नई मिसाल कायम कर दी है। जी हाँ, इस सोसाइटी में 25 बेड का यह डेडिकेटेड कोविड केयर सेंटर बनाया गया है, जहाँ ऑक्सीजन बेड और वेंटिलेटर दोनों की सुविधा उपलब्ध है। दरअसल यह सेंटर सिर्फ सोसाइटी के रहवासियों के लिए बनाया गया है, ताकि कोरोना संक्रमित होने पर या गंभीर बीमारी के इलाज में उन्हें कहीं और हॉस्पिटल में न जाना पड़े। आज थाने जिले के पालक मंत्री एकनाथ शिंदे ने इस कोविड केयर सेंटर का शुभारंभ किया। पालक मंत्री ने कहा कि आज जबकि सोसाइटियों में वैक्सीनेशन सेंटर बनाने की तैयारी चल रही है, ऐसे दौर में कोविड केयर सेंटर तैयार किया है वह काबिले तारीफ है। उन्होंने कहा कि यदि दूसरी सोसाइटियां भी यह मॉडल अपनाती हैं तो इससे मरीजों की मुसीबत कम करने में बड़ी मदद मिल सकती है। देखिए रिपोर्ट। तस्वीर में दिख रही अरवली की यही वो एस पैराडाइज सोसाइटी है, जिसने खुद का कोविड हॉस्पिटल बनाकर महाराष्ट्र में नई मिसाल कायम कर दी है। आज थाने जिले के पालक मंत्री एकनाथ शिंदे ने इस कोविड हॉस्पिटल का उद्घाटन किया और इस मॉडल को अपनाने का आह्वान किया। इस अवसर पर सांसद राजन विचारे, शिवसेना नेता विजय चौगुले, जिला प्रमुख द्वारकानाथ भोईर समेत कई पदाधिकारी मौजूद थे। पालक मंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री ने मेरा परिवार मेरी जिम्मेदारी का नारा दिया है, लेकिन शिवसेना नेता विजय चौगुले ने उसे विस्तार देते हुए मेरी सोसाइटी मेरी जिम्मेदारी का नावीन्यपूर्ण उदाहरण पेश कर हजारों रहवासियों की मुश्किल हल कर दी है। उन्होंने कहा कि यदि इसी तरह शहर की दूसरी सोसाइटियाँ भी अपने यहाँ कोविड हॉस्पिटल तैयार करती हैं तो इससे जहाँ हॉस्पिटलों का तनाव कम होगा, वहीं रहवासियों को अपने ही प्रांगण में उपचार पाने में मदद मिलेगी। ये जो कम्युनिटी हॉल है उसको तो कन्वर्ट किया अस्पताल में, और एक सभी आईसीयू विद आईसीयू हॉस्पिटल बनाया है। ये ऐसा अगर बड़ी सोसाइटी करेंगे तो निश्चित रूप से कोविड का जो सामना है हम पूरी तरह ताकत से कर पाएंगे, और जो बाकी अस्पताल पर जो लोड होता है वो भी कम होगा। ये अच्छी शुरुआत है, और एक घर में ही बैठकर घर में अपने पेशेंट का इलाज ऐसे अस्पतालों में सोसाइटी के परिसर में होगा, ये निश्चित रूप से एक अच्छा काम विजय राव चौगुले जी ने किया है। मैं उनको भी धन्यवाद देता हूँ। अन्य सोसाइटियों ने भी ये देखकर ऐसा शुरू करे तो निश्चित रूप से अच्छा ही होगा। बता दें कि अरवली सेक्टर 8 के एस पैराडाइज बिल्डिंग में कुल 413 फ्लैट हैं, जहाँ 2000 से अधिक लोग रहते हैं। इन्हें उपचार के लिए बाहर न जाना पड़े, इसके लिए ही दो मंजिले कम्युनिटी सेंटर में यह कोविड हॉस्पिटल बनाया गया है। शिवसेना नेता विजय चौगुले ने बताया कि सोसाइटी में कोरोना के बढ़ते प्रकोप और इलाज में हो रही मुसीबत को देखते हुए 26 बेड के इस हॉस्पिटल को तैयार करने का निर्णय लिया गया। इनमें 5 वेंटिलेटर और HFNC बेड हैं, जबकि 21 ऑक्सीजन बेड हैं। एप्पल हॉस्पिटल के डॉक्टर और मेडिकल स्टाफ इस हॉस्पिटल का संचालन करने वाले हैं। बाहर के लोगों के साथ जब मैं हर बेड के लिए हर पेशेंट के लिए जब हम पालक मंत्री जी से बात करते हैं, खासदार जी से बात करते हैं, कमिश्नर से बात करते हैं, तब हमें महसूस होता है कि कुछ ना कुछ करना चाहिए। इस मकसद से जब हमारे पे हमारे सोसाइटी के अंदर जब एक ऐसी मोमेंट आ गई कि वन टाइम अभी इधर हमारे 2000 फैमिली है, इधर 477 फ्लैट्स हैं, तो हमारे फैमिली मिनिमम 2000 के अभाव है। तब हमने देखा कि हमारे इधर पॉजिटिव 70-80 लोग जब होने लगे, तब हमें डर लगने लगा कि भैया, और जब हम भी बाहर भी किसी को कितने जन को हम फ़ोन करेंगे, भाई एडमिट करो। सबसे हमने चर्चा करके ये किया, तब हमें जब परमिशन की बात थी तब मैंने पालक मंत्री एकनाथ शिंदे साहब से बात की, खासदार राजन विचारे साहब से बात की, पालक मंत्री साहब ने
आयुक्ता साहब से बात करके जो भी एनओसी थे कंडीशन महानगर पालिका के हॉस्पिटल को जैसे रहते वो पूरे कंडीशन फॉलो करके हमने ये हॉस्पिटल हमने बना दिया। हमने 26 बेड की व्यवस्था की है, 10 बेड इसमें आईसीयू है, उसमें वेंटिलेटर है, उसमें बीएफएक्स सब ऐसे हमने वहाँ पे अरेंजमेंट किए कि सब प्राइवेट हॉस्पिटल में जो जो अरेंजमेंट रहते हमने एप्पल हॉस्पिटल को हमने मेंटेन करने को दे दिया है कि ये पूरा एप्पल हॉस्पिटल मेंटेन करेगा। विजय चौगले ने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और पालक मंत्री एकनाथ शिंदे का आभार जताते हुए कहा कि इसी तरह का नया कोविड हॉस्पिटल ऐरोली के चिंचपाड़ा में भी बनाएंगे, जहां 150 बेड की सुविधा होगी और झोपड़पट्टी के रहवासियों को वहां मुफ्त में इलाज दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि शिवसेना के 80% समाज सेवा का मंत्र अपनाते हुए हम उन नागरिकों के लिए कुछ करना चाहते हैं जिन्होंने वोट देकर हमें चुना है। विजय चौगले ने माना कि यदि इस मॉडल को अपनाया जाता है तो इससे कोरोना के उपचार में बहुत ही आसानी होगी। वहीं सोसाइटी के पदाधिकारी शिवाजी पाटिल ने इस उपक्रम के लिए शिवसेना नेता विजय चौगले की सराहना की और आभार भी जताया। मेरे राजनीति में हमारे बाला साहब ठाकरे ने हमें कहा है कि 80% समाजकरण 20% राजकरण। मैं नई मुंबई के जितने भी पॉलिटिशियन लोग हैं उनको कहता कि हम जब जो सोसाइटी में जब हम कॉर्पोरेटर किसके बलबूते के ऊपर बनते हैं, हम जो सोसाइटी में रहते हैं उधर के लोग ही हमको चुनाव के देते हैं। ये तो मेरी सोसाइटी की धरना रही। अभी तो मैं इसके आगे जाके मैं जो प्रभाग से मैं चुन के आता वो पूरे प्रभाग की जवाबदारी मेरी। ऐसे कह सकता माजी सोसाइटी माजी जवाबदारी, माजा प्रभाग माजी जवाबदारी। ऐसे भी मूवमेंट के ऊपर मैं जो मेरा चंद्राबाई स्कूल है चिंचपाड़ा में उसके अंदर में मैं अभी 150 बेड का प्लानिंग कर रहा हूँ और फ्यूचर में, और उधर में सब फ्री ट्रीटमेंट रहेगा और उसको मैं नगर पालिका का कोऑपरेशन लूँगा और ऐसा करने का हमारी संकल्पना है। क्योंकि आज की तारीख में मैं देख रहा हूँ कि महानगर पालिका में इधर उधर लोग ढूंढते हैं कि ये हॉल ताबे में लो, ये स्कूल ताबे में लो, उनसे पहले कि हम सब बना के दे देवे। हमारा 50% हाथ हमारा, एक हाथ हमारा, एक हाथ उनका, ऐसे दोनों हाथ रख के वो काम होना चाहिए। ऐसा भी मेरी संकल्पना है और वो करने के मैं विचार में 99% 101% मैं करूँगा। हमारे चौगले साहब ने ये ध्यान में रखते हुए कि भाई चलो बाहर करने से अपना कम्युनिटी हॉल इतना बड़ा है, ऊपर नीचे है, अपन कुछ ऐसा हॉस्पिटल बनाए कि आदमी लोग को बाहर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इसके लिए उन्होंने AGM लेके ये संकल्पने के माध्यम से, ये योजना के माध्यम से, मुख्यमंत्री योजना के माध्यम से, माजी सोसाइटी माजी जवाबदारी के माध्यम से उन्होंने ये हॉस्पिटल के निर्माण किया। हम लोग 10-11 दिन में ये हॉस्पिटल खड़ा किया। इधर फ्लैट 413 फ्लैट है और 64 शॉप है, वो सब सभासद है, उनको कोई भी तकलीफ हो गया तो चौगले साहब के पास और हम लोग के साथ हमारे पास आते हैं, उसके लिए किसी को भी बाहर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इसके लिए उसका निर्माण किया गया है। चौगले साहब ने सोचा अगर हम इतना पैसा खर्च करते एक भी आदमी की जान बच जाए तो हमारा पैसा वसूल हो जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, TV1 इंडिया।